जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस खूबसूरत मौसम में हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर चौहान साहब, सी ऑफ लैंड मार्केटिंग इटसेल्फ। इनसे हम आज जानेंगे गुलबर्ग इस्लामाबाद के बारे में कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इंटरेस्ट रहा, उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनका तासर रहा, इसी तरह इन्वेस्टमेंट सर्कल के अहबाब जो गुलबर्ग के अंदर एक ख़ास किस्म की इन्वेस्टमेंट करते रहे, ये रुझान कैसा रहा और इसका करंट स्टेटस क्या है। आमिर भाई हमें इस बारे में बताइएगा। वेल, गुलबर्ग इस्लामाबाद ऐसी सोसाइटी है दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर इन माय लाइफ। इस्लामाबाद की बहुत खूबसूरत तरीन सोसाइटी है और इसकी जो वजह है वो ये है कि इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसकी डेवलपमेंट वर्क है और जो इसकी मैनेजमेंट और डेवलपर्स हैं और जो क्रेडिबिलिटी इसके ऑनर से आती है, जो कमिटमेंट्स आती हैं, उसकी वजह से जो इन्होंने सोचा था कुछ सालों पहले वो आज नज़र आता है और आपकी आंख से नज़र आता है। और दूसरा कि जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जब स्टार्ट में गुलबर्ग ग्रीन्स आया था, गुलबर्ग गणेशा आया था, उस वक्त जो रेट्स हैं, जो अब रेट्स हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी एक वजह थी कि इसकी लोकेशन और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो जो डिज़ाइन किया है इसका, इट वॉज मार्वलस। इतने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ इस टाइम पे गुलबर्ग के अंदर लोगों का इंटरेस्ट लेवल क्या है और गुलबर्ग के अंदर अपडेट क्या है, बुनियादी तौर पे गुलबर्ग में इस टाइम पे चल क्या रहा है, क्योंकि आप तो वहाँ पे काफ़ी गहराई से वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, तो आप हमें ये बताइए कि वहाँ पे इस टाइम डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। हर सोसाइटी के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं, राइट। और गुलबर्ग एक ऐसी सोसाइटी है, मुझे अच्छे से याद है, टैक्सेस भी लगते थे, बहुत मैक्सिमम टैक्सेस लग जाते थे, डॉलर शूट हो जाते थे। और इस्लामाबाद की जितने भी सोसाइटीज़ हैं, ना कि सिर्फ सोसाइटीज़, बाकी इंडस्ट्रीज भी बैठ जाती थी, लेकिन गुलबर्ग ग्रीन्स कभी बैठा ही नहीं। और करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, चलता रहा। ये एक ऐसी सोसाइटी थी और फिर भी थोड़ा बहुत कभी ना कभी थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट स्टिल मेरे ख्याल से, मतलब जनरली डिस्कशन में मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि गुलबर्ग की जो मार्केटिंग है वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि गुलबर्ग कैसा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और जो वहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है, जो लाइफस्टाइल उन्होंने दिया है, वो लोगों तक पहुँचा ही नहीं है। आप पूरी फेसबुक उठा लें, सोशल मीडिया उठा लें, आप स्क्रॉल करते रहें 1 घंटा, आपको बाकी सोसाइटीज़, छोटी सोसाइटीज़ आपको नज़र आएंगी, रुदन आपको नज़र आएगी उसके अंदर, आपको स्मार्ट सिटी नज़र आएगा, पार्क व्यू नज़र आएगा, ग्राफिक्स में उनकी पोस्टिंग नज़र आ रही होती हैं, वीडियोस और व्लॉगिंग तो दूर की बात, अभी तो गेम चेंज हो चुकी हुई है। रियल स्टेट के अंदर सारे के सारे खुद करेक्टर्स लेके और व्लॉग टाइप बनाकर पूरी की पूरी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा होता है वो दिखा रहे होते हैं, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस्लामाबाद से दूर हैं, उनको कॉल पे समझ में नहीं आती है। हर चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो चुकी हुई है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन गुलबर्ग के अंदर 400-500 ऑफिस एक कम्युनिटी की तरह वहाँ पर रह रहा है। उनकी तरफ से बहुत कम, हार्डली कोई 10% ऑफिस ऐसे होंगे जो ये चीज़ कर रहे हैं और मतलब रेस्ट ऑफ देम आर स्टिल स्लीपिंग, आई डोंट नो व्हाई। और बजट्स हैं उनके पास, माइंड है उनके पास, मेरे ख्याल से वहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए और वहाँ के बारे में अल ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, गुलबर्ग ग्रीन्स है, एक एक जगह पर जाकर प्रॉपर वीडियोस, अवेयरनेस कम्पेन्स चलाने चाहिए, उसके बाद लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आएगा, द क्वेश्चन इज क्यों समझ में नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ है। आपकी इस बात से मैं हाईली एग्री करूँगा कि बहुत सी सोसाइटीज़ के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जब गुलबर्ग के पास इतना सारा पोटेंशियल है डेवलपमेंट अपडेट्स हैं दिखाने के लिए, तो वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। और किस बेहतर अंदाज में पहुंच सकती है ये आपसे हम आगे वक्तन फोक्तन जानते रहेंगे कि हर किस्म की डेवलपमेंट जो गुलबर्ग की सोसाइटी के अंदर हो रही है इस टाइम पे, चाहे वो कमर्शियल में हो या रेजिडेंशियल में, उसको स्पेशली ओवरसीज़ ऑडियंस और इन्वेस्टर कैटेगरी के आगे कैसे बेहतर तरीके से पहुँचाया जा सकता है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा कैजुअली बताऊँ कि आजकल सुनने में जो आता है वो यही आता है कि जी रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के, बट माय क्वेश्चन इज के 1 करोड़ रुपये में, लेट्स सपोज मैं हम एल ब्लॉक की एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी रैंडम की, कि इस्लामाबाद में गुलबर्ग कैटेगरी की सोसाइटी में या जैसी सोसाइटी में
एक करोड़ रुपए का साथ मतलब किस ब्लॉक में आता है या किस सोसाइटी में आता है? किसी सोसाइटी में इस एक करोड़ रुपए का साथ मतलब इस कैटेगरी में नहीं आता है, जिसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉल्स, कमर्शियल पार्क, स्कूल हर ब्लॉक में दिया हो, मैग्नस मॉल, गुलबर्ग मॉल और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इन जैसे एलिवेशंस के साथ, इन जैसी लग्जरीज के साथ आपको एक जगह पर रहने का मौका मिले, गेटेड कम्युनिटी हो, 24 आवर सिक्योरिटी हो, मतलब इस तरह की जगहों पर साथ मतलब एक करोड़ का मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। इवन G15 जैसी सोसाइटी में आपको करोड़ प्लस का मिलता है, जो कि एक टिपिकल CDA सेक्टर है। और हर बंदा जिसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि जी मैं जितना स्मार्ट वे में रह सकूं मैं रहूं। आजकल जो गेम है वो यही है कि गेटेड कम्युनिटी हो, खुद वो सेफ हो और मिनिमम डिस्टेंस हो, फ्री कॉरिडोर, भाई कहाँ है इस तरह की, लोग तो सिग्नल में पागल हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतने ज़्यादा ब्रांड्स, इतनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर मल्टाई नेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं भाई, तो इनकी बैठने से होता क्या है, आपकी रेंटल वैल्यू बढ़ती है जो भी प्रॉपर्टी वहाँ पे होती है, और रेंटल वैल्यू से रीसेल वैल्यू बढ़ती है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों में ये रेट्स कुछ भी नहीं है। द थिंग इज़ के उनको एडवर्टाइज प्रॉपरली करें, उनको वीडियोज़ बना के या किसी भी तरीके से कन्वे तो करें पूरे पाकिस्तान को या ओवरसीज पाकिस्तान, इसको दिखाएं तो सही कि इतने, मेरे मुताबिक अभी भी बहुत कम रेट है गुलबर्ग का, 1 करोड़ 1.25 करोड़ 1.30 1.40, मतलब इट्स नथिंग। जितना पैसा हमारा डिवैल्यू हो गया है और G13 जैसे जगहों पर साथ में लेके रेट से क्या आप हैरान हो जाएंगे। तो हर बंदा वो चीज़ नहीं ले सकता, शायद लेना भी नहीं चाहे। जो चीज़ 2.5 करोड़ में G13 में मिल रही है, उससे कहीं दर्जे अच्छी चीज़ अगर आपको गुलबर्ग में मिल रही है तो आई वुड गो फॉर इट। राइट राइट, आपकी यही जो बात है ना जो आपने बताई कि गुलबर्ग का हर ब्लॉक is a full package of life in its own. Exactly, internally, उसमें इतनी सारी facilities हैं कि हर block एक जगह resonate कर रहे हैं individually. Yeah. दूसरी बात, उसके अंदर commercial का एक ऐसा segment है कि commercial life जो है वो अपने तौर पे spring कर रही है वहाँ पे. Externally, Gulbarg का factor आपने बताया कि जिस तरह उसकी location और उसका ease of access इस्लामाबाद से, Twin Cities से equally कितना ज़बरदस्त है. इसी से आगे चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस time पे आज Gulbarg के अंदर investment अगर की जाए तो वो कितनी fruitful है और उसका टर्न ओवर हम कैसे expect करें? बिल्कुल, गुलबर्ग के अंदर इस वक्त रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो मुझे आज भी याद है कि हमने 18 लाख रुपए के साथ मरले के प्लॉट्स बेचे थे, और 2017-16 की मैं बात कर रहा हूँ, और कोविड को अगर साइड पर रखें 3 से 4 साल में ये रेट जो हैं 70-80-90 लाख पे जा चुके हैं इस टाइम पे। और जैसे ही ये नॉन डिवेलप की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही डिवेलप हो जाते हैं और कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी, और अभी सुनने में आ रहा है कि वो डेवलप होने जा रहे हैं, तो एज इट इज दैट इज मालूम 100% रिटर्न है वो, जब भी होगा वो, आज होता है या कल होता है, साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, वो जब भी हो रहा है यू आर डेट सेफ। मतलब एटलीस्ट ये तो बताया आपको कि गुलबर्ग के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं जा रही। सबसे अच्छी बात जो गुलबर्ग की है वो यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ हुआ, गुलबर्ग के रेट्स नीचे नहीं आए थे। हाँ, अप्स एंड डाउन आते हैं लेकिन बहुत माइनर आते हैं, बट उसके अंदर भी कुछ डिपेंड करता है कि आप डील्स कैसे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, और क्या आपका जो जिनसे आप सर्विसेज ले रहे हैं कंसल्टेंसी की, क्या वो ठीक डायरेक्शन में आपको इन्वेस्ट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, ये डिपेंड कर रहा होता है। बट गुलबर्ग में रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बूम है। उसकी वजह ये है कि रेट्स बढ़ने की कुछ वजूहात होती हैं। पहली वजह थी उसकी लोकेशन, पहले एयरपोर्ट था उसकी वजह से, दूसरी वजह थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी वजह थी उसकी डेवलपमेंट जो स्टार्ट में हुई थी, और तीसरी चौथी वजह उसकी कि जब वहाँ पर पोजेशन मिला उसके बाद जो कमर्शियल्स वो खैर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स पे, जो कि अभी मेरे नज़दीक 10-15% है, ठीक है। और जो चीज़ अभी भी आपको लेट सपोज करोड़ में मिलती है, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जब यहाँ पर 50-60% या 70% कंज्यूमर आ जाएगा, तो उसके बाद 60-70-80% उसके अंदर बूम के चांसेस रहेंगे, वो हैं। वो कब आता है नोबडी नोस, ठीक है, बट वो बहुत नज़दीक है, मेरे नज़दीक कि वो बहुत नज़दीक है। अभी गुलबर्ग में कमर्शियल बन चुके हैं, बिल्डिंग्स बन चुके हैं, बेसिक एमिनिटीज़ आ गई हैं, हॉस्पिटल आ गया, स्कूल आ गया, तो व्हाट डज इट मीन कि वो जो टाइम गुलबर्ग का आना था वो आ चुका हुआ है। वो कौन सा टाइम था? वो टाइम था जो E7 में आ गया हुआ है, जो F6 में आ गया हुआ है। F6 में भी इवन आपको जो रोड्स हैं, जो गलियां हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसकी, जो गुलबर्ग में इस टाइम पे। गुलबर्ग इज अ ब्रांड एंड इट विल बी अ ब्रांड, और लोग प्राउड फील करते हैं गुलबर्ग में प्लॉट लेके, मेरे ख्याल से तो, और शेयर भी करते हैं कि जी हमारा वहाँ प्लॉट है ये वो।
तो इस टाइप का एक जेस्चर देती है गुलबर्ग, तो डेफिनेटली गुलबर्ग का टाइम आने वाला है और बहुत ज़्यादा मेरे मुताबिक इस्लामाबाद की बहुत 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 बूम लाने वाली एक सोसाइटी प्रूव होगी। ज़बरदस्त। तो ये काफ़ी इन डेप्थ आपने हमें जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन बताई गुलबर्ग के बारे में, और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर आपको कोई टेलर्ड इन्फॉर्मेशन मिले स्पेसिफिक मार्केट के अप टू डेट हालात के मुताबिक, सो बी श्योर टू कॉन्टेक्ट अस, और शायद कल को आप भी प्राउड फील करें कहते हुए कि हमारा भी गुलबर्ग के अंदर एक प्लॉट है। सो द एटमोसफियर इज़ रेडी, द इन्वायरमेंट इज़ रेडी, बी अ पार्ट ऑफ इट, ज्वाइन इट, इन्वेस्ट करें गुलबर्ग के अंदर और लाइफ की जो लग्जरी है उसको एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।